Assalamualaikum students of class 3, take out your English grammar copy. Open page number 16, month of January की heading डालिए. Creative writing on water, kind of sentences, contractions. ये काम हम January में करेंगे. Page number 17 पे आइए, creative writing का title page बनाइए. Page number 18 पे आइए, सबसे पहले इस page पे date डालें, CW लिखिए. Creative writing on water. इस तरह से आप सेंटर में वाटर लिखिए बना के. इसके साथ हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे कि नीड, पर्पस, नेसेसरी, 70%, सर्वाइव. अब इन वर्ड्स की मदद से हम क्रिएटिव राइटिंग करेंगे. वाटर के बारे में हम लिखेंगे. वाटर के लिए बनाए जाने वाले सेंटेंसेस में हम इन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी क्रिएटिव राइटिंग हो जाएगी. वाटर इज बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ. कौन सा हमने वर्ड यूज़ करा यहाँ से? नीड का. नीड. वाटर इज़ बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ. पानी हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है. सेकंड पॉइंट देखिए, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. कौन सा वर्ड यूज़ करा अब हमने ऊपर से? सर्वाइव. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते. थर्ड पॉइंट देखिए, We use water for different purpose like drinking, cooking, washing, etc. अब कौन सा हमने वर्ड यूज़ करा? Purpose, यानी कि मकसद. पानी मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ होता है जैसे कि पीना, cooking यानी कि खाना पकाना, इसके अलावा धोने धुलाने के लिए. फोर देखिए पॉइंट, Our body is made up of 70% of water. हमारा जिस्म जो है वो 70% पानी से बना हुआ है. तो हमने 70% भी सेंटेंस में यूज़ कर लिया. इसके बाद वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. अब हमने कौन सा वर्ड यूज़ करा यहाँ से? नेसेसरी, ज़रूरी. पानी जो है तमाम जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आपकी क्रिएटिव राइटिंग कंप्लीट हो गई. आपका वर्क इतना ही है. जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़.